इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाने की बात की जा रही है, तो ये मंदिर का बनाना मेरे नज़दीक नजरिया पाकिस्तान को ज़बा करना है और 20 लाख शहीदों के खून से गद्दारी है। और इस वक्त जो कश्मीरी हैं उनके जख्मों पे नमक छिड़कना है। 1% भी इसका कोई जवाब नहीं, ना शरी तौर पर ना आईनी तौर पर, जो पाकिस्तान का आईन है उसके लिहाज से भी। और हालात हाजरा में जब इतने महीनों से कश्मीरी जो है वो लॉकडाउन में हैं, जनाजे उठा उठा के थक गए हैं और हमारे हुक्मरान आंखें बंद करके सोए हुए हैं, देख ही नहीं रहे, बस आधा घंटा एहतजाज करके और अक्वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके उसके बाद भूल ही गए हैं कि कश्मीरी माएं चीख रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं, खून बह रहा है। तो इन्हें होश करना चाहिए, मंदिर की तरफ ना जाएं, कश्मीर के अंदर की तरफ जाएं और वहां जाके झंडा दिल्ली पे लहराएं। फिर कश्मीर से होते हुए इस वास्ते हम आज इस इज्तिमा की वसातर से हुकूमत की इस तजवीज को अगर बनाने पे मुसिर है तो उनके इस इकदाम को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। और इस पर इंशाल्लाह अगर हुकूमत को समझ ना आई तो फिर अगला इकदाम भी हमें करना पड़ा, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी निकलेंगे। सारे तैयार हो। तो ये हमारे बुजुर्गों ने तो मदीना मुनव्वरा की कॉलोनी बनाई थी, इसलिए बच्चे नेजों पे उछाले गए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मदीना मुनव्वरा की कॉलोनी तो बना लेंगे ना हम अपने देश की, हम मस्जिद तो बना लेंगे। पाकिस्तान मस्जिद बनाया गया था, आज उसको मंदिर बनाया जा रहा है उसके दारुल हुकूमत में। शरीयत मुतहरा के अंदर किसी भी इस्लामी सल्तनत में किसी बातिल मजहब का कोई इबादत खाना किसी जेत का भी बनाने की कोई इजाजत नहीं, बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है। और पहले ही यहां जो कुछ हो रहा है वो इस्लामी उसूल जो है अकलियतों के, उनको पसे पुश डाल के अकलियतों को वो कुछ दिया गया है जो अक्सरियत को भी नहीं दिया गया, और उनके लिए और हर लिहाज से बड़े बड़े खतरनाक मंसूबे जो शरी तौर पर बहुत खतरनाक हैं वो सब छुट्टियां उनको दी गई हैं। हम चाहते हैं कि ये देश जो इस्लाम का किला है अपने मकसद के लिहाज से, इसको मंदिर ना बनाया जाए, इसको मस्जिद ही रहने दिया जाए। दुनिया में लगाने निकले।